स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल ECH एजुकेशन। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 5, बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट स्टार्ट। ए नंबर, चूज द करेक्ट आंसर। 1. डैश इज एन इंडोर गेम। इन तीनों में से इंडोर गेम कौन सा है? चेस। 2. रूल्स आर टू बी फॉलो बाई ऑल डैश। रूल्स सब रूल्स किसके द्वारा फॉलो होने चाहिए? प्लेयर्स। 3. काइट फ्लाइंग इज पॉपुलर ऑन। काइट कब फ्लाई करते हैं, कब पतंगे उड़ाते हैं? दो फेस्टिवल पे, एक तो होता है अपना इंडिपेंडेंस डे, दूसरा आपका मकर संक्रांति। यहाँ मकर संक्रांति नहीं दिया है, आंसर इज इंडिपेंडेंस डे। 4. डैश इज अ प्लेस वेयर मेनी पीपल पुट अप स्टॉल्स टू सेल वेरियस आइटम फेयर। बी, ट्रू फॉल्स। 1. प्लेयर शुड नॉट रिस्पेक्ट देयर फेलो प्लेयर्स। प्लेयर्स अपने साथ दूसरे प्लेयर्स का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। फॉल्स। 2. चीटिंग इज नॉट अलाउड इन गेम। गेम में चीटिंग अलाउ नहीं है। ट्रू। यस। 3. टेबल टेनिस इज एन आउटडोर गेम। फॉल्स। 4. परफॉर्मर्स इन अ सर्कस वेयर ग्लिटरी एंड कलरफुल कॉस्ट्यूम। यस, ट्रू। सी, फिल इन द ब्लैंक्स। Games are activity that keep us dash and dash active. Games क्या करता है? हमारी body और mind को active करता है. Okay? 2. Dash are those games that are played in the open air. खुली हवा में कौन से game खेले जाते हैं? Outdoor games. Okay. Next. 3. In a dash, different types of fun games and competitions are also held. कहाँ पर होते हैं फन गेम्स और कॉम्पिटिशन्स? फेयर। 4. डैश मेक द ऑडियंस लव विद देयर सिली एक्ट इन अ सर्कस। कौन हंसाता है अपने सिली एक्ट से सर्कस में? क्लोन्स। अब मैचिंग। 1 नंबर, चौका बारा ट्रेडिशनल इंडोर गेम है। 2. पतंगबाजी, काइट फ्लाइंग। 3. मेला, मेले को क्या बोलते हैं? फेयर। 4. पिट्टू, सेवन स्टोन। ई, आंसर इन वन वर्ड। अ गेम प्लेड ऑन अ बोर्ड एंड विद टू प्लेयर्स। एक ऐसा गेम बताओ जो बोर्ड में खेलते हैं और दो प्लेयर के साथ खेलते हैं, तो वो है चेस। एन इंडोर गेम दैट इन्वॉल्व्स फिजिकल एक्सर्शन। आप ऐसा गेम बताओ जिसमें हमारा फिजिकल एक्सर्शन होता है, वो भी इंडोर गेम है, तो स्क्वैश। A religious festival when kite flying is enjoyed. तो मकर संक्रांति। 4. A place where many people put up stall to sell various item fair. Next, question answers. Okay? So, I am going to explain short answers. Short question answers. Question number 1. What is the difference between outdoor game and indoor game? भाई ये तो बहुत इजी है। इंडोर गेम हम घर के अंदर खेलते हैं और आउटडोर गेम हम घर के बाहर खेलते हैं। सो आंसर, इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स आर दोज गेम्स दैट आर प्लेड इनसाइड द होम, फॉर एग्जांपल चेस, लूडो, कैरम, ईटीसी। आउटडोर गेम। आउटडोर गेम्स आर दोज गेम्स दैट आर प्लेड आउट इन द ओपन एयर, फॉर एग्जांपल फुटबॉल, क्रिकेट, हाइड एंड सीक, ईटीसी। क्वेश्चन नंबर 2, What are rules in a game? Game के क्या rule होते हैं? Answer, different games have different rules. If rules are broken by any player, अगर rules किसी भी player ने तोड़ा, the player is disqualified. तो उसको disqualified कर दिया जाता है। What is a sportsman spirit? क्या होती है sportsman की spirit? Sportsman, sportsperson. Spirit is to accept one success with humility and take defeat gracefully. वो किसी की success को क्या करता है? विनम्रता से accept कर लेता है और खुशी से हार को भी accept कर लेता है। वही होती है sportsman की spirit, sports person की, sorry. Question number 4. Why should we avoid playing गेम्स ऑन अ कंप्यूटर और स्मार्टफोन? सबको पता है इसका आंसर, हमें स्मार्टफोन्स को में गेम खेलना क्यों नहीं चाहिए?
बिकॉज इट मे कॉज हार्म टू द आईज, ये हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है, ईयर्स एंड ओवरऑल मेंटल स्ट्रेंथ, हमारे कानों को भी और हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को भी. ओके, सो नेक्स्ट एंड लास्ट राइट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रूल्स इन गेम्स, क्या रूल्स हैं, क्या इम्पोर्टेंस है आपके रूल्स के गेम के अंदर. आंसर, रूल्स आर ऑट टू बी फॉलोड बाई ऑल द पार्टिसिपेंट, है ना, सारे पार्टिसिपेंट्स को रूल जरूर फॉलो करना चाहिए और वो करते भी हैं, सब पार्टिसिपेंट रूल फॉलो करते हैं. इफ रूल्स आर ब्रोकन बाई एनी प्लेयर्स, अगर कोई प्लेयर रूल तोड़ता है, द प्लेयर इज डिसक्वालिफाइड, उसे डिसक्वालिफाइड कर दिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ शुड प्लेयर्स बिहेव विद देयर प्लेमेट्स, अपने प्लेमेट्स के साथ में प्लेयर को कैसा बिहेव करना चाहिए. आंसर, प्लेयर्स शुड ऑल्सो अप्रिशिएट द परफॉर्मेंस ऑफ देयर टीममेट्स, है ना, प्लेयर्स को अपने टीममेट के परफॉर्मेंस पर अप्रिशिएट करना चाहिए. एंड दे शुड बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर देयर ऑन टीम प्लेयर्स एंड अपोनेंट टीम्स, है ना, और उन प्लेयर्स को अपनी टीम के मेंबर और अपोनेंट टीम के मेंबर्स का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द गेम्स दैट आर प्लेड इन अ स्कूल, व्हाई आर दे बीइंग प्लेड इन स्कूल, आप बताइए कि कौन से गेम स्कूल में खेले जाते हैं और क्यों. द गेम्स दैट आर प्लेड इन द स्कूल इन अ स्कूल लाइक खो खो, कौन कौन से गेम खेले जाते हैं स्कूल में, खो खो, फुटबॉल, रिले रेस, जैवलिन, ETC, बहुत सारे गेम हैं, आप कुछ अदर भी इसमें ऐड कर सकते हैं. दीज टाइप ऑफ गेम्स हेल्प अस स्टूडेंट टेक अप अ करियर एज अ प्लेयर इन द फ्यूचर, ऐसे गेम स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं उनका करियर बनाने में फ्यूचर में. ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वॉट इज द डिफरेंट बिटवीन अ फेयर एंड अ सर्कस, फेयर और सर्कस में डिफरेंट बताना है. फेयर, अ फेयर इज अ प्लेस वेयर मैनी पीपल पुट अप स्टॉल्स टू सेल वेरियस आइटम लाइक बैंगल, टॉयज, बैग एंड ETC. इट टेक प्लेस इन अ फील्ड और अ पार्क, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि फेयर हमेशा खुली जगह पर लगता है और इसमें बहुत सारे लोग स्टॉल्स लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं जैसे कि बैंगल्स, टॉय, बैग और वगैरह वगैरह. सर्कस, अ सर्कस इज अ शो इन अ वेरी लार्ज सर्कुलर टेंट, सर्कस हमेशा एक बड़ी जगह में लगता है, इसका टेंट बहुत बड़ा रहता है, सर्कुलर टेंट रहता है. डिफरेंट काइंड ऑफ सैमरसॉल्ट्स आर परफॉर्म बाय एक्रोबेट्स और यहाँ पर बहुत सारे कलाबाजियाँ दिखाई जाती हैं, दैट इज सर्कस. आप इसमें अपने से एक्स्ट्रा अगर जोड़ना चाहते हैं, यू कैन ऐड इट. माय क्वेश्चन आंसर पार्ट इज ओवर. मुझे ऐसा लगता है कि आपको बुक वर्क, क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे. अगर आपको समझ में आए हैं, यू कैन राइट इन योर कॉपी. दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.